हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार के सबसे बेस्ट और बुरा एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है BCECE 2024। इस एग्जाम के देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, साथ में इसका जो एग्जाम डेट कब होगा और फिर फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि BCECE एग्जाम यदि आप देते हैं तो आप इसके थ्रू कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम BCECE एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करते हैं। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, बशर्ते आपको 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों BCECE एग्जाम के थ्रू जो आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, बी फार्मा में, BSc नर्सिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक, फिशरीज, डायरी टेक, इन सारे कोर्सों में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। अब हम इसका एग्जाम पैटर्न का बात करें दोस्तों, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या एग्रीकल्चर इन सभी सब्जेक्टों में 100-100 क्वेश्चन का एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होता है दोस्तों। यदि आपका इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, गलत होने पर 1/3 का फॉर्मूला चलता है दोस्तों। आपको इस एग्जाम को देने के लिए किन्हीं 3 सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप बी फार्मा कर रहे हैं, यदि बायोलॉजी से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कीजिए। यदि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, आप यदि बी फार्मा करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कीजिए। तो ऐसे करके आपका ये एग्जाम्स होंगे दोस्तों। इसका एग्जाम डेट का बात किया जाए दोस्तों, तो ये मार्च से अप्रैल के बीच में इसका एग्जाम फॉर्म निकलता है। अभी तक इसका फॉर्म नहीं आया है। पिछले बार 2023 का बात किया जाए तो इसका 1 जुलाई 2023 को इसका एग्जाम लिया गया था दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।